खबरें फटाफट में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश की ताजा अपडेट्स पर। लाहुल के पट्टन क्षेत्र में लिंडूर गांव में दरारें पड़ने से गांव के वजूद को खतरा। प्रशासन ने 3 घरों को अनसेफ घोषित किया। प्रशासन ने 3 मकानों को खाली करने के दिए आदेश। क्षय रोगियों की सहायता के लिए चल रही निक्षय मित्र योजना के अंतर्गत जिला रेडक्रॉस संस्था मंडी ने 250 क्षय रोगियों को लिया गोद। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शुक्रवार को विश्व विख्यात शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार पहुंचे। उप मुख्यमंत्री बोले, चिंतपूर्णी मंदिर के विस्तारीकरण के लिए प्रशासन द्वारा जमीन खरीद ली गई है। अगर और जमीन की जरूरत पड़ी तो और जमीन भी ले सकता है प्रशासन। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में पहुंची अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल। नवरात्र पूजन किया, प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां भी डाली। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कुल्लू में आपदा प्रभावित परिवारों को विशेष पैकेज के तहत बांटेंगे राहत राशि। 21 अक्टूबर को ढालपुर के रथ मैदान में होगा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जिला के प्रभावित परिवारों को प्रदान करेंगे राहत राशि। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मंडी दौरे को लेकर नगर निगम कार्यालय मंडी में बैठक का आयोजन। मीटिंग में अनुराग ठाकुर के स्वागत को लेकर चर्चा। अनुराग ठाकुर 21 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पहुंचेंगे मंडी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पालकवाह में सजा बाल विज्ञान मेला। हरोली ब्लॉक के स्कूलों के नन्हे वैज्ञानिक ने दिखाई प्रतिभा। 2 दिवसीय विज्ञान मेले में 55 स्कूलों के 350 विद्यार्थी दिखा रहे हुनर। आयुष विभाग सुंदरनगर द्वारा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र रडाक के अंतर्गत राजकीय उच्च पाठशाला धारंडा में सजा बहुउद्देश्य जागरूकता शिविर। जिला के सीएचसी और सिविल अस्पतालों में भी मरीजों को अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध होगी। सप्ताह में एक दिन सीएचसी तथा सभी सिविल अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड की सुविधा प्रदान करने का प्लान तैयार। 2 रेडियोलॉजिस्ट को निर्देश जारी। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पंडोह के लाल पुल बह जाने से पर्यटकों को हो रही दिक्कत। पंडोह पहुंचते ही पर्यटकों को गूगल मैप दिखा रहा लाल पुल की लोकेशन। इसके बाद पर्यटक सीधे लाल पुल के सटे हिस्से तक पहुंच रहे। लोगों की मांग, यहां सड़क बंद है का बोर्ड लगाए प्रशासन। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव कुल्लू में इस बार कृषि विभाग और आत्मा परियोजना के संयुक्त तत्वाधान में मिल्ट से निर्मित व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे लोग। बिलासपुर में जिला मुख्यालय के समीप ग्राम पंचायत कोटीपुरा के तहत गांव चांगरप्लासनी की एक ही गांव की 3 बेटियां बनी नर्सिंग ऑफिसर। तीनों होनहार बेटियां एम्स में देंगी सेवाएं। जिला मुख्यालय कुल्लू के साथ सटी लग घाटी के लोगों को मिला बाईपास रोड। उपायुक्त सिरमौर सुमित खेमटा ने एपीएमसी के तहत धौलाकुआं में संचालित धान खरीद केंद्र का किया निरीक्षण। नशे का जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से शुरू किए गए नशा मुक्त ऊना महाअभियान के तहत शुक्रवार को हर घर दस्तक देकर जागरूकता की अलख जगाने का काम शुरू। खबरें फटाफट में इतना ही, बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।